आज फिल्मी ज्ञान में बात करेंगे फिल्म इंडियन की यानी मिस दीक्षा की। इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो मेरा पर्सनल व्यू है, तो कोई उनके फैंस ऑफेंस मत हो जाइएगा। फिल्मी इंडियन के बारे में जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हर हफ्ते 10 से 12 जबरदस्त फिल्मों के बारे में जानने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब फॉर बेस्ट मूवी नॉट ओनली लेटेस्ट मूवी। पहली बात जो दीक्षा जी की अच्छी है वो उनकी वाक की शैली। वो इतनी कमाल की है, वो इतने खतरनाक ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी मूवी रिव्यू या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन, मूवी रिव्यू नहीं रह जाता, मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं रह जाता, वो एक रोस्टिंग बन जाता है। और यदि फिल्में खराब हों और उसमें नेपोटिज्म का तड़का हो तब तो रोस्टिंग पक्का है भाई साहब। फिल्मी दुनिया से इनका क्या नाता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन फिल्मों की समझ इनकी काफ़ी अच्छी है। इतनी अच्छी जितनी जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की भी नहीं है। अब बात आती है कि उनकी रिव्यू मुझे कितनी रियल लगती है। दीक्षा जी की ये खूबी है कि वो बकवास फिल्म को भी इस तरीके से शब्दों में गढ़ते हैं कि आपको लगता है बस यही तो आखिरी फिल्म है जिसके बाद जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब वो उसमें रेटिंग देते हैं, स्टार देते हैं, तो 5 में -5 देखकर आप चौंक जाते हैं। फिल्म में क्या रियलिटी है, कितनी सच्चाई है, उसकी स्टोरी लाइन कितनी अच्छी है, उसमें एक्टिंग कितनी अच्छी है, या फिर उसकी फिल्मोग्राफी, उसकी सॉन्ग, फिल्म में जितनी भी अच्छी चीज़ें या फिर खराब चीज़ें होनी चाहिए, जो ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके दीक्षा जी बताती हैं। कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन वाले बोल रहे थे कि दीक्षा जी का रिव्यू रियल नहीं है, वो पैसे लेकर रिव्यू करती हैं, उनका रिव्यू सारा का सारा फेक ही है। तो पहले तो मैं बियॉन्ड इमेजिनेशन वाले से बात करना चाहूँगा, यदि चीज़ें बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कोई फिल्में बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तो वो इमेजिन कैसे किया गया? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए तो इमेजिनेबल है लेकिन जो दर्शक देखेंगे, जो जिसको आप बता रहे हैं उसके लिए वो इमेजिनेबल है ही नहीं। और एक बात, कोई फिल्म यदि बियॉन्ड इमेजिनेशन होती तो वो बन ही नहीं पाती, क्योंकि कोई उसे इमेजिन ही नहीं कर पाता। अब आते हैं दीक्षा जी पर। तो हाँ, कुछ ऐसी सीरीज हैं जिसके बारे में, जिसकी रिव्यू देखने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने उस सीरीज को पूरा नहीं देखा था। बिना पूरे वेब सीरीज को देखे रिव्यू देने का एक कारण तो पैसा भी हो सकता है, दूसरा कारण वो सीरीज ही इतनी बकवास हो कि एक दो एपिसोड में ही पता चल गया हो जिसके कारण उसका रिव्यू दिया हो, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो सीरीज ही इतनी अच्छी हो कि उसके बारे में रिव्यू देना तो बनता ही है, और चौथा कारण ये हो सकता है कि वो सीरीज इतनी बड़ी है जिसमें एक दो सीजन देखने के बाद ही पता चल गया हो कि ये इतनी अच्छी सीरीज है जिस पर रिव्यू दे देना चाहिए। जब दीक्षा जी ने इर्तगुल का रिव्यू दिया था तब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था कि ये वीडियो उनका फेक है, इन्होंने वो पैसों के लिए किया है। तो पहला सवाल तो यही, आप जो रिव्यू देते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं या फिर दूसरे चीज़ों के लिए करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने पैसों के लिए रिव्यू नहीं दिया होगा, लेकिन एक दो वीडियो से पूरे पर्सनैलिटी को जज करना सही नहीं है। उनके बस एक दो वीडियो जो लगता है कि शायद उन्होंने पूरा सीरीज नहीं देखा होगा, उसको देखकर ये जज करते हैं कि पूरी फिल्मी इंडियन ही फेक है, वो सारी चीज़ें पैसों के लिए ही करती है। अब देखो, मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ दीक्षा शर्मा पर ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर में तो YouTube पैसा देना भी शुरू नहीं करता। एक चीज़ दीक्षा जी से कहना चाहूँगा, उनको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। कोई बात नहीं, कुछ बकवास फिल्में आ जाती हैं, नेपोटिज्म वाले उसमें घुस जाते हैं, लेकिन अच्छी फिल्में भी बन रहे हैं, उसको देखकर आपको मुस्कुराना तो बनता ही है। और एक आखिरी बात जिसमें मुझे लगा कि दीक्षा जी को इस तरह के वीडियो में सुधार करना चाहिए, वो है मूवी एक्सप्लेनेशन। उनका जो मूवी एक्सप्लेनेशन का स्टाइल है वो मूवी रिव्यू तक ठीक था, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन में जब आते हैं तब उसी स्टाइल से एक लाइन में, एक ही टोन में बोलते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन देना, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जब दुख की बात आती है तो दुख का टोन, जब खुशी की बात आती है तो खुशी का टोन, वो एक्सप्रेशन, उस चीज़ को टच कर पाना, वो दीक्षा जी में कम नज़र आता है। वो एक रोबोट की तरह ही बोलते चले जाते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन में भी। रिव्यू में तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मूवी एक्सप्लेनेशन की बात आती है, जब आप स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, तो स्टोरी टेलिंग में कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है, कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ पर सस्पेंस की तरह बोलना है, वो बातों पर ख्याल रखा जाए तो मूवी एक्सप्लेनेशन और भी मज़ेदार हो सकता है। ये बात मुझे पता है कि मेरी भी स्पीकिंग क्वालिटी, मेरी भी स्टोरी टेलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरी अच्छी नहीं है कि दूसरों की भी अच्छी नहीं है, तो उसे मैं अप्रिसिएट करता रहूँ। ये बात अलग है कि दीक्षा जी के वाक्य काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके शब्द काफ़ी अच्छे होते हैं, उन्होंने जिस तरह से उस सेंटेंस को पिरोया होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में भाव का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो ये चीज़ें यदि वो थोड़ी बेहतर कर पाए तो मूवी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब इनके ही स्टाइल में वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिल्मी इंडियन के बारे में जानने के लिए आपको इनके चैनल पर जाना पड़ेगा, और सारे कॉन्टेंट फ्री में, बस थोड़ी सी समय की कुर्बानी के साथ आप पूरी कहानी समझ सकते हैं।
फिल्म इंडियन को 5 में से 4 स्टार, 1.5 स्टार इनके वाक्यपटुता के लिए, मतलब इनकी रिव्यू स्टाइल के लिए, उसमें जो शब्द ये पिरोते हैं उनके लिए, 1 स्टार अच्छी फिल्मों को हम तक लाने के लिए, और 1 स्टार नेपोटिज्म से पंगा लेने के लिए, 1/2 स्टार गुड मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए, 1/2 स्टार कटेगा स्टोरी टेलिंग स्टाइल के लिए, और 1/2 स्टार कटेगा क्योंकि ये एक रोबोट नहीं, एक पूरी मशीन नहीं है, ये एक इंसान है, तो दीक्षा 2025 के लिए वो और भी बेहतर हो सकती है, इसलिए हमेशा हर एक इंसान को बेहतर होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए 1/2 स्टार कटेगा। आपका फिल्म इंडियन के बारे में क्या ख्याल है और इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है दोनों कमेंट में बताएं, और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वो बायोग्राफी हो, साइंस फिक्शन हो, हिस्टोरिकल हो, सोशली सुपर बेस्ट हो, या फिर कोई भी मोटिवेशनल मूवी हो उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, किसी मूवी का सजेशन देना हो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आप भी अच्छी मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का टैगलाइन है सब्सक्राइब फॉर बेस्ट मूवी नॉट लेटेस्ट मूवी।